हाथ में संविधान लिए डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे भोपाल की तरफ बढ़ रही हैं। निशा की न्याय पदयात्रा सीहोर तक पहुंच चुकी है। माता विजयासन देवी के दर्शन करने के बाद मीडिया से बातचीत में निशा ने सीएम शिवराज से कुछ सवाल पूछे हैं। एक पढ़ी लिखी महिला के साथ मध्य प्रदेश शासन ये कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि कम पढ़ी लिखी या अनपढ़ महिला कितने दर दर भटकती होगी अपने न्याय के लिए। तो क्या शिवराज मामा जी ये कानून बनाएंगे कि अगर किसी महिला को न्याय चाहिए तो वो 250-250 किलोमीटर पैदल उनके पास जाए, तब जाके उनको न्याय मिलेगा। तो बहुत ही दुख और पीड़ा की बात है जो आज हमें इस तरह से सड़कों पर पैदल चलना पड़ रहा है, जहां हमें मतलब कहीं भी रुकना पड़ रहा है। तो ये एक जो है ये धर्म का युद्ध है। दरअसल अटकलें लगाई जा रही हैं कि निशा बांगरे कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। इसीलिए निशा ने डिप्टी कलेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया। इसके बाद से ही निशा लगातार बीजेपी सरकार पर हमले बोलते आई हैं और न्याय पदयात्रा निकालकर भोपाल अपना इस्तीफा मंजूर कराने आ रही हैं।